हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ अपना नायका स्पेशल हॉल वीडियो। एंड यस, एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरे पास नायका के खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये नायका का हॉल है तो इसमें डेफिनेटली स्किन केयर और मेकअप की चीजें इंक्लूडेड हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट मंगाए और उनको यूज करने के बाद आई एम टोटली अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स, क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। इवन आज का मेकअप भी मैंने उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके क्रिएट किया है। सो आई एम गोना शो यू वन बाय वन द प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं और उनके क्या रिजल्ट रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी मैं शुरू करती हूँ इस बॉक्स के साथ। इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, एक्चुअली इस तरह के दो बॉक्स में आई थी, लेकिन मैंने कंपाइल कर दिया एक ही में आपको दिखाने के लिए। सो इसमें से मैं सबसे पहले जो मैंने बात की थी स्विस ब्यूटी की, उसी का ही प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, और वो है ये आईलाइनर्स। ये है मेटालिक आईलाइनर्स और इसके मैंने तीन कलर मंगाए थे, वो है ये। ये सिर्फ 200 रुपीस के आईलाइनर हैं, लेकिन इनका जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो हायर एंड के ब्रांड्स हैं उनके साथ ये मैच कर जाता है बिल्कुल टोटली इसकी क्वालिटी। ये मैंने आज ब्लू वाला कलर लगाया है इसी का ही, और बहुत ही अच्छा है। इससे पहले भी मैंने लगाया हुआ है, पूरा दिन आराम से निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैसअप हो जाता है या निकल जाता है। बहुत ही प्यारा इसका स्मूथ फिनिशिंग है काफ़ी। ये है वो ब्लू आईलाइनर, इस तरह की पैकेजिंग में है ये। इनकी पैकेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें स्विस ब्यूटी लिखा हुआ है। ये यहाँ पे एक होल है कलर देखने के लिए, और ये है वो प्रोडक्ट जहाँ पे इतना ये कलर है, और ये इनका कैप है। कैप एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। ये इसका ब्लू कलर है, इसका ब्लू कलर सबसे फेवरेट और अच्छा कलर है, लेकिन बाकी कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं दूसरे कलर्स भी आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरह का कुछ ब्लू आईलाइनर लेना है और मेटालिक में लेना है तो आप ले सकते हैं पार्टी वेयर के लिए। ये इसका कॉपर कलर है सेम, ये है कॉपर कलर, कॉपर कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ये ब्राउन और उसमें जाता है, लेकिन ये मेटालिक में है तो बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। ये है कॉपर कलर। मुझे तो आई एक्सपेरिमेंट्स करने थे आई मेकअप पे, तो मुझे चाहिए था कि दो तीन कलर्स हों, लेकिन अगर 400-500 एक ही मेटालिक कलर पे चला जाता तो मैं शायद एक ही कलर मंगा पाती। इसीलिए मैंने स्विस ब्यूटी ट्राई करने का सोचा, और आई एम टोटली अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। ये है इसका सिल्वर मेटालिक कलर, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसका कलर सिल्वर कलर मुझे चाहिए था, सिल्वर कलर में भी ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है एक बार, और मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये है वो सिल्वर कलर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और बहुत ही स्मूथ ग्लाइड है इसका, बहुत इजीली लग जाता है। ये तीन आईलाइनर्स मैंने मंगाए थे स्विस ब्यूटी के, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए थे और जिनको मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होते भी हैं मैं दूसरे ऑनलाइन शॉप्स हैं उनके आपको लिंक दे दूँगी, उसमें प्रोवाइड कर दूँगी। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं और सेम क्वालिटी में मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैंने जो मंगाया है वो है काजल। मुझे वाइट काजल मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया है, और ये भी एक स्विस ब्यूटी का मैंने मंगाया है वाइट काजल। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस तरह का वाइट काजल अगर आपको लगाना है तो ये आप देखिए कितना स्मूथली ग्लाइड करता है। थोड़ा सा पर्ल उसमें है, ये पर्ल वाइट कलर ही है, यहाँ पे ये लिखा है पर्ल वाइट शेड। ये तीनों चीज़ें मैंने फाइनली मंगाई थी स्विस ब्यूटी से, और इनके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इन तीनों पे एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको भी ये पसंद आएंगे। इन तीनों के अलावा मैंने और कुछ नहीं मंगाया था स्विस ब्यूटी का, और मुझे ये काफ़ी इसके रिजल्ट बहुत पसंद आए थे, इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं मेबेलिन के ये लिपस्टिक्स और ये मस्कारा। ये है मेबेलिन की स्पेशल कैटेगरी है, कोई मेबेलिन एलेवन ओलिविया करके एक
कैटेगरी है, एक ब्रांड है उनका, उसी का है ये। उस ब्रांड का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इतना इतना पता नहीं चलता, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये पिंक लिपस्टिक और एक दूसरा शेड है, ये भी मैंने मंगाया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पिंक वाला शेड ये है, परफेक्टली पिंक शेड, इसके ऊपर लिखा है और कोड है इसका 630। ये है वो लिपस्टिक, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा पिंक है। आई गेस ये वाला पिंक तो सबके पास रहना ही चाहिए, हर डार्क कलर के साथ ये पिंक बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा डार्क ब्लू पहने या ब्लैक पहने या वाइट पहने कम्प्लीटली, उसके साथ भी ये कलर बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरह की एक लिपस्टिक थी मेरे पास इस कलर में, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे एक दूसरी इस तरह की मंगानी थी, तो आई थॉट कि ये क्यों नहीं ट्राई करती हूँ। उस टाइम पे नायका की सेल चल रही थी और ये 400 की लिपस्टिक मुझे 200 में ही मिली थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसका स्वैच आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है उसका स्वैच, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है ये, और इसको डार्क करने पर ये अलग ही लुक देता है, और लाइटली लगाएंगे तो बहुत ही रानी पिंक कलर कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर है ये। बहुत ही सुंदर है, क्रीमी मैट है, क्रैकी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लिप्स बहुत ही सॉफ्ट और सपल लगता है इसको लगाने के बाद। इसी का ही एक दूसरा कलर है जो कि है 660 रेंज में, किस्ट करके इसका नाम है, और ये है ऐसा थोड़ा मॉव कलर है ये, पिंक न्यूड में है ये। ये कलर भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, जिनको इस तरह के शेड अच्छे लगते हैं वो लगा सकते हैं। हल्का ब्राउन और पिंक, न्यूड पिंक बोलते हैं ना, वही कलर है एक्चुअली, और इस रेंज में 200 में मिल गया था मुझे। आई गेस अभी भी मिल जाना चाहिए, लेकिन 400 में भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्रीमी मेट है, स्टे भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही वॉश आउट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना खाएंगे या लिक्विड खाना बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद या मुंह धोने के बाद ही ज़्यादा तरह से स्टे रहेगा। इस पिंक लिपस्टिक की पिगमेंटेशन तो बहुत अच्छी है, एक दिन मैंने लगाई थी, सुबह से शाम तक रहती है इसकी पिगमेंटेशन, तो बहुत अच्छा है। क्रीमी मेट लिपस्टिक है ये, आप इनको भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसी कैटेगरी में मंगाया था ये मस्कारा, इसका ये मस्कारा, ओ माय गॉड, इसका ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। आई मीन मुझे पता नहीं मुझे ये मस्कारा पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं इतने लॉन्ग टाइम से इस तरह के मस्कारा क्वालिटी को ढूंढ रही थी कि जो कि वाटरप्रूफ तो हो ही, साथ में बिल्कुल ड्राई आउट नहीं कर दे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ट्राई किया है वाटरप्रूफ मस्कारा जो होते हैं वो बहुत ही ड्राई कर देते हैं, वो एकदम पपड़ी जैसा निकलता है, और अगर वाटरप्रूफ नहीं लेते हैं तो वो बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है या निकल जाता है दिन भर के साथ, वो बिल्कुल इफेक्ट उसका रहता ही नहीं है। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये 475 रेंज में था, लेकिन उसके बाद मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट मिल गया था, अभी कितना चल रहा है मुझे देखना पड़ेगा डिस्काउंट, लेकिन जो भी होगा मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हो। ये मैंने सिर्फ आईलैशेस कर्ल किए हैं और इसको लगाया है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने कई बार जब भी बाहर जाती हूँ इसको लगाती हूँ, और बहुत घंटों तक इसका इफेक्ट रहता है, तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। मस्कारा हो गया, तो मैंने कुछ एक फॉल्स आईलैशेस भी मंगाए थे, इससे पहले मैंने फॉल्स आईलैशेस कभी नहीं मंगाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार फॉल्स आईलैशेस ट्राई करूं, क्योंकि मैं जब भी देखती हूं जिनको भी फॉल्स आईलैशेस लगाते हुए किसी हैवी मेकअप पे, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। का ही फॉल्स आईलैशेस मंगाऊं, क्योंकि इनकी रेंज एक तो 199 रेंज में इनकी काफी वैरायटी थी, और इसका जो क्वालिटी है नायका का आईलैशेस का भी मुझे काफी पसंद आया था। ये इस तरह की पैकेजिंग में था, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी और कूल है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हैं इतनी सुंदर है। इनके साथ ये अंदर ग्लू मिल जाता है, और इस तरह से ये आईलैशेस हैं। आप जो भी आपको चाहिए, जिस तरह से हैवी आईलैशेस चाहिए या जिस तरह का वैरायटी चाहिए, आप मंगा सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, इसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद जो मैंने मंगाए थे वो है ये मैंने मंगाए थे फेसेस कैनेडा के दो नेल पेंट्स। ये है फेसेस कनाडा स्प्लैश का पिंक कलर, जो कि मैंने ऑलरेडी वेयर किया हुआ है, और एक ये ब्राउन शेड मंगाया था। इन दोनों शेड को मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ये शेड भी एक्चुअली बहुत प्यारा है। प्लम 207 है इसका कोड, और इसका कोड है वाटरमेलन 52। ये दोनों शेड पिंक में, ये बहुत ही पिंक, बहुत ही प्यारा पिंक है, सही में वाटरमेलन पिंक है ये, और ये शेड प्लम ब्राउनिश शेड है जो आजकल बहुत ही चला हुआ है। ये दोनों शेड भी मैं को बहुत अच्छे लगे थे। आया था कलर शो कलर बार का ये मेबलिन कलर शो नेल पेंट, ये मुझे सिर्फ
75 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया था डिस्काउंट में। नायका पे इस तरह का डिस्काउंट काफ़ी चलता रहता है, यू हैव टू चेक आउट कि कब क्या डिस्काउंट मिल जाए, कब किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा फ्री मिल जाए, तो इस तरह के बहुत सारे वो ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे ये वाला मुझे 145 रुपीज़ का नेल पेंट है, ये मुझे सिर्फ 70 रुपीज़ में और 75 रुपीज़ समथिंग में मुझे मिला था। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये कलर भी बहुत ही प्यारा है मेबलिन का, ये भी पिंक में ही जाता है लेकिन जो मैंने पिंक लगाया है उससे थोड़ा डार्क में है। और नेक्स्ट मैंने ये नेल पेंट मंगाया था, ये लैक्मे के रेंज में है और लैक्मे का ये आई थिंक 150 रेंज का है ये नेल पेंट। और इस तरह का मुझे कुछ नेल आर्ट करने के लिए मैंने मंगाया था। ये पार्टिकल्स है इसमें, इसका जो ये गोल्डन पार्टिकल है ना ये बहुत ही प्यारा है, कुछ अलग सा ही है। तो ये इतने नेल पेंट्स मैंने मंगाए। नेक्स्ट मैंने मंगाया था ये आई लैश कलर। आज सब कुछ मैंने प्रोडक्ट आधे से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है अपने मेकअप में, तो ये आई लैश कलर सिर्फ 129 रुपीज़ का है और ये है ब्रांड GUBB करके ब्रांड है ये, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं, GUBB करके आप नायका पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये सिर्फ 129 रुपीज़ का है और ये रोज गोल्ड कलर में था, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे इसका, एकदम क्लासी है इसका जो ये रोज गोल्ड कलर है। और यहाँ पे ये रबर ये दिया हुआ है तो आपको पेन नहीं होता, यू कैन ईजिली कर्ल योर आई लैशेज। नेक्स्ट मुझे चाहिए था एक लिप ग्लॉस, तो लिप ग्लॉस मैंने सोचा कि मैं कलर बार का ही एक लिप ग्लॉस मंगा दूँ। एक्चुअली लिप ग्लॉस में मैं कलर्स में इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज वो सेम ही लगता है। लिप ग्लॉस मुझे कुछ मैट लिपस्टिक के लिए ऊपर लगाने के लिए चाहिए था, तो मैंने एक मीडियम कलर चुना अपने लिए जो कि मेरे सभी टोन्स ऑफ लिपस्टिक के साथ चल जाएगा। तो ये इस तरह का एक कलर है और ये है कलर पार का स्टार लिट लिप ग्लॉस, देख सकते हैं, यस ये है कलर पार का स्टार लिट लिप ग्लॉस और इसका शेड है रे 004, ये वाला है वो। और इसमें ये भी अच्छा ही था लिप ग्लॉस, मुझे एक्चुअली सच्ची बताओ तो इसकी क्वालिटी कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई, बट ठीक है, मतलब हाई ब्रांड में नहीं जाना। तो अब फाइनली मैं आती हूँ अपने स्किन केयर रेंज में जो कि इस पैकेट में मुझे अवेलेबल हुई थी, और उसमें मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ ये वैदिक लाइन का ओपन पोर रिड्यूसिंग क्रीम। मुझे थोड़े दिनों से ओपन पोर्स की दिक्कत आ रही थी एक्चुअली मेरे पिंपल्स हो जाने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं जो कि क्या प्रोडक्ट लगाऊं जो कि ओपन पोर्स को थोड़ा सा ट्रीट करने के लिए हो जाए। और इसमें मैंने सर्च करने के बाद इसको पढ़ा वैदिक लाइन और इसका जो रिव्यूज़ थे वो बहुत ही अच्छे थे। ये मुझे ये था 275 रुपीज़ का, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ऑब्वियसली मिला होगा, अभी मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं एटलीस्ट 15 डेज तो हो गए हैं मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। इस तरह के लिक्विड फॉर्म में है, जिसको भी इस तरह के ओपन पोर्स के लिए अगर कुछ चाहिए तो पंपिंग में है ये, इस तरह से लिक्विड में ओपन पोर्स के लिए कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, एकदम स्मूथ है। इसको मैं एक्चुअली मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद एक बार लगाती हूँ और नहाने के बाद मुझे कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, दिन भर में एक दो बार तो इसको लगा ही लेती हूँ। और सही में मेरे धीरे धीरे मेरे स्किन पे मुझे फर्क दिखने लग गया था। साथ ही मैंने मंगाया था बायोटिक का ये बायो हनी वाटर के साथ, ये बायोटिक का हनी वाटर, ये बहुत ही भी मैं नहाने के बाद लगाती हूँ। उसको लगाने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा थोड़ा आयुर का एक टोनर आता है उसी की तरह ही था, एस्ट्रिंजेंट टोनर जो होता है, लेकिन इसमें बायो हनी वाटर है ये, तो ये और थोड़ा अच्छा है। और सही में इन दोनों को लगाया मैंने, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही बैठा मेरे ऊपर और मुझे काफ़ी इसके रिजल्ट इफेक्टिव रिजल्ट भी मिले हैं मेरे स्किन के लिए। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में मंगाए थे जिनको मैं यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और ये मुझे पड़ा था बायोटिक का जो हनी वाटर है, ये पड़ा था मुझे 175 रुपीज़ का, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल आई गेस, और रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है ही। और ये बायोटिक जो है ना ये भी आयुर्वेदिक और उसमें ही जाता है, दोनों ही एक्चुअली आयुर्वेदिक रेंज में है और दोनों की क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। 120 ml का है ये है 100 ml का, तो 120 ml का ये 175 रुपीज़ का पड़ा था और ये पड़ा था मुझे 275 रुपीज़ का। तो दोनों ही अफोर्डेबल रेंज में स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे ये नायका से, ये बहुत ही अच्छे थे।
फाइनली जो मेरे नायका के हॉल में बच गया, यह है VLCC का स्किन टाइटनिंग फेशियल किट। मुझे ओपन पोर की दिक्कत कुछ ज्यादा ही फील हो रही थी तो मैंने उसी रेंज में ही 2-3 चीजें मंगा दी। लेकिन ये जो फेशियल किट है ये भी बहुत ही अच्छा है। इसको मैं पहले भी नॉर्मली यूज कर चुकी हूँ। ये स्पेशली आपकी स्किन क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए काफी अच्छा है और मुझे ये नायका पे एक्चुअली स्पेशली बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल गया था। ये है 499 का, इसका प्रिंटेड MRP है 499 का। दूसरे साइट में भी जाएंगे तो 499 का ही मिलेगा, लेकिन नायका पे ये मुझे सिर्फ 350 पे मिल गया था उनके स्पेशल ऑफर्स में। तो आई गेस, और इसका आप देखिए इसमें इतनी क्वांटिटी है ना, इस तरह के 6 फेशियल्स हो सकते हैं। छह बार के फेशियल्स के लिए ये पूरा पैकेज है। ये मेरा बहुत ही पूरे साल भर के में आराम से निकल जाएगा। और VLCC ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। मुझे VLCC के स्पेशली जो फेस मास्क है और फेशियल जो होते हैं ना प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक फाइनली मैंने ये एक प्रोडक्ट मंगाया था। इतना ही प्रोडक्ट मैंने अपने नायका हॉल में इस बार मंगाए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट जो है पसंद आए होंगे, मेरा नायका हॉल पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा होगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो जाके डायरेक्टली मंगा सकते हैं। तो मेरा ये हॉल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इतने ही प्रोडक्ट के साथ मैं आपसे बोलती हूँ बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।